अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यहाँ पे जो रेड कलर का बटन है इसे दबाने के बाद हम आप सब्सक्राइब कर लेंगे। उसके बाद दोस्तों इस बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा और यहाँ पे टिक कर लीजिएगा सेंड मी ऑल नोटिफिकेशन फॉर दिस चैनल, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिल जाए। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ अलग अलग तरह की टेक न्यूज, रूमर्स और लीक्स वगैरह। मैं हूं सुमित रॉय, आप सभी का स्वागत है टेक हीरा फॉलो की हिंदी टेक न्यूज में। दोस्तों यहाँ पे जो पहली अपडेट और कुछ रूमर्स रिपोर्ट्स निकल के आ रही है वो है Xiaomi के एक स्मार्टफोन से रिलेटेड, या फिर आप कह सकते हैं फैबलेट से रिलेटेड, जिसका कि नाम हो सकता है Xiaomi Mi Max 2। दोस्तों इस तरीके से कुछ इसकी रिपोर्ट्स में और रूमर्स में निकल के आ रहे हैं कुछ स्पेसिफिकेशंस के बारे में। अगर हम इसकी टेक्निकल स्पेक्स की बात करें तो दोस्तों इसमें आपको देखने को मिल सकती है 6.4 इंच की फुल एचडी डिस्प्ले, और इसी के साथ आपको इसमें हो सकता है देखने को मिल जाए 2.2 गीगाहर्ट्ज का ऑक्टाकोर क्वालकॉम का प्रोसेसर। और इसके साथ अगर हम इसके रैम की बात करें तो इसमें आपको देखने को मिल सकती है 4GB की रैम और 128GB की इंटरनल स्टोरेज। और आपको जो कैमरा इसमें देखने को मिल सकता है ऑटोफोकस, जो रियर कैमरा है वो आपको 12 मेगापिक्सल का LED फ्लैश के साथ देखने को मिल जाएगा, और इसमें आपको 5 मेगापिक्सल का फ्रंट फेसिंग कैमरा सेल्फी के लिए देखने को मिल जाएगा। इस तरीके से कुछ रूमर्स और रिपोर्ट्स निकल के आ रहे हैं। अगली अगर हम अपडेट की बात करें तो वो है iMac के प्रो मॉडल के बारे में। तो दोस्तों इसमें आपको देखने को मिल सकता है, हो जाए आपको इसमें देखने को मिल जाए एक नया कीबोर्ड का सपोर्ट, इसी के साथ आपको इसमें VR का सपोर्ट भी देखने को मिल सकता है। और हो सकता है ये जो नया iMac है वो इंट्रोड्यूस हो जाए अक्टूबर के मंथ में इसी साल। इस तरह से कुछ रिपोर्ट्स और रूमर्स निकल के आ रही है। अगली अगर हम अपडेट की बात करें तो है माइक्रोसॉफ्ट के सरफेस प्रो 5 के बारे में। तो इसमें आपको दोस्तों देखने को मिल सकता है एक केबी लेक का प्रोसेसर। इस तरीके से कुछ अपडेट्स निकल के आ रही है कि आने वाले जो माइक्रोसॉफ्ट का सरफेस प्रो 5 है उसमें आपको जल्दी देखने को मिल जाएगा केबी लेक का प्रोसेसर। और अगर हम अगली अपडेट की बात करें तो वह इंडिया से रिलेटेड और ब्लैक और येलो टैक्सी से रिलेटेड। जी हाँ दोस्तों, इस तरीके से कुछ अपडेट्स निकल के आ रही है कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट ऐप डेवलप कर रही है ब्लैक और येलो टैक्सीज के लिए। जैसे कि आप सभी को पता है ओला और उबर के आने के बाद कितना आसान हो गया टैक्सी वगैरह बुक करना, आप ऐप डाउनलोड करते हैं बस उसके बाद उस पर बुक कर सकते हैं। तो हो सकता है इससे बहुत आसानी हो जाए लोगों के लिए ब्लैक और येलो टैक्सी बुक करने के लिए, और ब्लैक येलो टैक्सी जो होल्डर्स हैं जो ड्राइवर्स हैं उनके लिए भी काफ़ी आसानी हो सकती है, अपनी जो भी उनकी जो बिजनेस है उसे भी इम्प्रूव वो आसानी से कर सकते हैं इससे, और भी वो कनेक्ट हो सकते हैं इससे, और भी ज़्यादा उनका स्कोप बढ़ जाएगा और भी ज़्यादा लोगों से वो इन ऐप वगैरह के थ्रू कनेक्ट हो सकते हैं ब्लैक और येलो टैक्सीज वाले लोग। इस तरीके से कुछ अपडेट्स निकल के आ रही है कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट जल्दी लाने वाली है ब्लैक येलो टैक्सी के एप्स। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलेगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलेगा। और दोस्तों अगर आपके जो भी सवाल या सुझाव हो उसे दोस्तों प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखना बिल्कुल नहीं भूलेगा, जो कि वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन के नीचे आपको देखने को मिल जाएगा। मैं हूं सुमित रॉय, आपसे जल्दी मिलूंगा इसी तरह से टेक्नोलॉजी रिलेटेड अगले वीडियो में। टेक केयर फॉर यू से। Girl, now wait just a minute. I've got something to say. You should hear it.